तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि कोरोना वायरस के चलते राजस्थान 31 मार्च तक बंद, राज्य में 25 पॉजिटिव कोरोना वायरस के मामले। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च तक राजस्थान को बंद कर दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी जगहों पर दुकानों और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ली गई बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक के बाद सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 से 31 मार्च तक राज्य में लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के इस दौर में लोगों को खाद्य सामग्री को लेकर किसी तरह की परेशानी न होनी चाहिए ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 1 करोड़ से अधिक परिवारों जिनको 1 रुपये और 2 रुपये प्रति किलो गेहूं मिलता है उन्हें मई माह तक गेहूं फ्री में दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें सीएम गहलोत ने शहरी क्षेत्रों व दिहाड़ी मजदूरों और एवं ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो NFSA की सूची से बाहर है को भी 1 अप्रैल से 2 माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट फ्री उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। ये पैकेट जिला प्रशासन तथा नगर पालिका के सहयोग से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आपको बता दें कि 31 मार्च तक राजस्थान पूरी तरह बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि जनता कर्फ्यू के दौरान शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी महिलाओं के धरना स्थल के समीप फेंका गया पेट्रोल बम। वहीं आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू के बीच देश के शाहीन बाग इलाके से एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। यहां CAA के खिलाफ 3 महीने से ज्यादा समय से धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। इसी बीच आज धरना स्थल पर पेट्रोल बम फेंकने का आरोप प्रदर्शनकारियों ने लगाया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रविवार धरना स्थल के समीप पेट्रोल बम फेंका गया। इस घटना को अंजाम देने वालों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं आपको बता दें कि बैरिकेड के पास प्लास्टिक के एक बोतल में कुछ विस्फोटक सामान भी बरामद किया गया है। विशेष पुलिस आयुक्त ने कहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। वहीं शाहीन बाग प्रदर्शन स्थल पर जनता कर्फ्यू के दिन रविवार यानी आज केवल 4 से 5 महिलाएं ही बैठी हुई हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गगोई जिन्होंने सुनाया था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पर लगाए हैं गंभीर आरोप। वहीं आपको बता दूं कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गगोई जब से राज्यसभा सांसद बने तब से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गगोई ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल पर एक बड़ा आरोप लगाया है। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान रंजन गगोई ने आरोप लगाया कि साल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद वह तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मांगने उनके आवास गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने दिग्गज कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता को अपने घर में घुसने नहीं दिया। अगली खबर की ओर बात करते हैं कोरोना वायरस के चलते प्रियंका गांधी की लोगों से अपील, कहा गलत जानकारी ना फैलाएं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर गलत जानकारी ना तो फैलाएं और ना ही इन पर भरोसा करें। वहीं आगे उन्होंने एक ट्वीट में कहा, क्या आप छोटी छोटी सावधानियां बरत रहे हैं? ये सावधानियां कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगी। आप किसी गलत बात पर विश्वास ना करें और ना ही गलत बात फैलाएं। आगे उन्होंने कहा कि जागरूक नागरिक की तरह सावधानियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। उन्होंने हाथ को अच्छी तरह साफ करते हुए एक वीडियो शेयर किया और कहा कि लोग घबराएं नहीं और साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें।
अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जनता कर्फ्यू के समर्थन में उतरे रजनीकांत, ट्विटर ने किया वीडियो डिलीट। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को रजनीकांत ने अपने ट्विटर पर एक खास वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में रजनीकांत ने सभी लोगों से जनता कर्फ्यू का पालन करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए समय सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक घरों में ही रहने की अपील की थी। वहीं इतना ही नहीं, रजनीकांत ने कहा कि जनता कर्फ्यू का पालन करने से हम सब इटली जैसे हालातों से बच सकते हैं, साथ ही कोरोना वायरस के तीसरे स्टेज से भी बचा जा सकता है। लोगों को रजनीकांत का ये वीडियो काफी पसंद आया, लेकिन अब इस वीडियो को ट्विटर की तरफ से हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि ट्विटर ने इस वीडियो को इसलिए हटाया क्योंकि इसमें गलत तथ्यों का प्रयोग किया गया था। वहीं आपको बता दें, एक जगह वीडियो में कहा गया था कि ये कोरोना वायरस सिर्फ 14 घंटे ही जीवित रह सकता है। ट्विटर ने इस जानकारी को गलत मानते हुए पूरे वीडियो को डिलीट कर दिया है, जिसके बाद इस पर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि कोरोना वायरस के चलते उड़ीसा सरकार का बड़ा ऐलान, 5 जिलों और 8 शहर बंद। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने कई तरह की पहल की और एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हालात की गंभीरता को समझते हुए 22 मार्च से 29 मार्च तक 5 जिलों और 8 शहरों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान लोगों को किसी तरह की खास परेशानी ना हो, इस बात को भी सरकार ने ध्यान में रखा है। वहीं उड़ीसा के जिन 5 जिलों और 8 शहरों को बंद करने का फैसला किया गया है, उनमें खुर्दा, गंजम, कटक, अंगुल और केंद्रपाड़ा हैं। इसके अलावा पहले फेल में पूरी, राउरकेला, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बालासोर, जाजपुर रेड़, जाजपुर टाउन और भद्रक में भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहें और जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलें। वहीं आपको बता दें, बंद के दौरान अस्पताल, क्लिनिक, मेडिसिन, ग्रॉसरी, सब्जी, मीट और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। इनके अलावा बैंक, ATM, पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा फैसला लिया है जो है उड़ीसा सरकार ने। आपको पता है ब्रह्मास्त्र मूवी की डेट डिले होने का रीजन? अगर नहीं तो जल्दी से हेलो एप्लीकेशन से अपडेट करें अपनी डे टू डे इन्फॉर्मेशन को। सिर्फ आपको हेलो ट्रेंड पे जाके क्लिक करना है एंड जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज जैसे शेयर मार्केट, बॉलीवुड और काफी सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। तो वेट मत करो, जल्दी से डाउनलोड करो हेलो एप्लीकेशन और अपडेट करो अपनी डे टू डे इन्फॉर्मेशन को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। कोरोना वायरस के चलते जावेद अख्तर ने कहा, अब शाहीन बाग और जामिया छोड़ दो। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच कोरोना वायरस का प्रकोप भी भारत में लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए जावेद अख्तर ने एक वीडियो जारी कर शाहीन बाग की महिलाओं से अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश में कई मर्तबा बड़े बड़े दुश्मनों ने किया, लेकिन हर बार देश की कौम ने उन्हें धूल चटा दी। कई बार सीमा पर जवान आगे रहे, लेकिन उस दौरान देश की कौम पीछे से उनके साथ खड़ी रही। आगे जावेद अख्तर ने कहा, लेकिन इस बार जो दुश्मन यानी कोरोना वायरस हमारे सामने है, उसका सामना हमें अपने घरों में रहकर ही करना है। ऐसे में जो भी युवा और महिलाएं अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठी हैं, उन्हें उठ जाना चाहिए। हालांकि उनकी मांगे जायज है, लेकिन उन्हें इस विकट घड़ी में अपने घर चला जाना चाहिए और धरना स्थल छोड़ देना चाहिए। तो ये काफ़ी बड़ा बयान आया है कोरोना वायरस और शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी महिलाओं को लेकर जावेद अख्तर का। अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। कमलनाथ सरकार जाते ही दिग्विजय सिंह का विरोध तेज, कांग्रेसियों ने भूमिका पर खड़े किए सवाल। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाते ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। विधानसभा की रिक्त हुई 24 सीटों पर हाल ही में उपचुनाव होना है। इसमें वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राज्यसभा उम्मीदवार फूल सिंह बैरिया के पक्ष में
पत्र लिखा है। वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कमलनाथ सरकार के गिरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भूमिका को लेकर भी कांग्रेस नेताओं के विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे मुकेश नायक ने तो खुलकर कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपने फायदे के लिए, अपने परिवार रिश्तेदार के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं गुजरात उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमावट कर ली है और खुद के लिए भी राज्यसभा सीट पर रास्ता आसान कर लिया है। मध्य प्रदेश में बेटे जयवर्धन सिंह, भाई लक्ष्मण सिंह और निकट रिश्तेदार प्रियव्रत सिंह तो गुजरात और उत्तर प्रदेश में अपने रिश्तेदारों को MLA बना लिया। नायक ने कहा कि कमलनाथ ने दिग्विजय को संकट मोचक समझा और उन्होंने ही धोखा दिया। 2 घंटे पहले तक शक्ति परीक्षण में जीतने की बातें कह रहे और फिर अचानक अल्पमत में होने का बोलकर सरकार गिरवा दी। तो ये काफ़ी बड़ा जो है झटका जो है दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है कि कांग्रेस सरकार जो है अब आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका है।